ये दोस्तों बोलो, हो गया क्या? हो गया भारत के राष्ट्रवाद। स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है भारत के राष्ट्रवाद का। इसको समझिए, इसमें सबसे पहले आते हैं कौन से? गांधी जी। गांधी जी के बारे में मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है? क्या है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। कब हुआ था? 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है? ये जो है अफ्रीका में पढ़ाई की, किस चीज़ का? वकालत की, ठीक है? वकालत वही वकील वकील का पढ़ाई किया इन्होंने, क्लियर? अब क्या हुआ कि देखिए, इन्होंने बहुत देखा दुनिया में क्या है, क्या सिस्टम है। जब ये ट्रेन पे चल रहे थे, किस पे? ट्रेन पे, तो इनको बाहर कर दिया गया, ठीक है? बाहर कर दिया गया। जब ये बाहर किया गया रंग के भेद पे, तो ये उसी दिन ठान लिए थे दोस्तों, क्या ठान लिए? कि अंग्रेजों को बाहर करके रहेंगे, ठीक है? तो उसी दिन ठान लिए। उसके बाद जब भारत आए इन्होंने, जब भारत आया तो 1915 में भारत आया, तो उस समय एक थे बिहार के आदमी, ठीक है? उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ आइए चंपारण में, वहाँ पे बहुत अन्याय हो रहा है। अन्याय के में क्या हो रहा था कि जो 20 कट्ठा खेत था उसमें 3 कट्ठा खेत में नील की खेती कराने के लिए मजबूर थे। अंग्रेजों ने कह दिया था कि नील की खेती करो, तो नील की खेती हो रहा था कब? वही उसी समय, ठीक है? जब गांधी जी आए तो भाई पता चला उनको, तो गए चंपारण। जैसे चंपारण उतरे तो देखे बहुत सारा भीड़ लगा था चंपारण में। कितना लगा था? बहुत सारे भीड़ लगा था। उस भीड़ को देख के गांधी जी और खुश हो गए, कहे कि अरे तो लग रहा है कि कुछ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो लागू हुआ है तीन कठिया प्रणाली, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो आप नील की खेती कराते हैं, ये मत कराइए, बंद कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ना, बहुत सफल रहा था। क्या था? बहुत सफल रहा था बिहार में। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है? 1900 कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डेट को, 1917 में, ये जो ईयर है 1917, ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, क्लियर? कौन किया था? गांधी जी ने किया था, ठीक है सर? उसके बाद गांधी जी को लोग जान गए कि भाई, बहुत लोग जानने लगे कि बहुत जो है धोती कुर्ता पहन के लाठी लेके चलते हैं, बहुत ब्रांडेड आदमी है। तो इनको भाई कांग्रेस ने एक अधिवेशन में बुलाया, 1920 का अधिवेशन कांग्रेस ने उनको इनवाइट किया। उसके पहले क्या हुआ था दोस्तों कि 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। कौन सा एक्ट? रोलेक्ट एक्ट। ये क्या था? बहुत गंदा कानून था। कौन सा एक्ट? रोलेक्ट एक्ट। इसके बारे में समझ लीजिए दोस्तों, ये क्या था रोलेक्ट एक्ट? क्या था? 1919 में पारित किया, जैसे कानून पारित होता था उसी रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। ये रोलेक्ट एक्ट क्या था? बिना दलील बिना अपील का ठोक दो, मतलब कि बंद कर दीजिए 2 साल के लिए, छोड़ दीजिए। एकदम गंदा कानून था, बहुत बेकार कानून था, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि 5 आदमी एक जगह खड़ा होकर बात नहीं कर सकते हैं, कि राजनीति नहीं बतिया सकते हैं, आराम से ऐसे बैठ के खाना पीना खाइए, अकेले अकेले रहिए, मतलब इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर कोई गलती करते हुए पकड़ाएगा तो उसे ये वो आदमी सरकार के पास नहीं जा सकता। सरकार का मतलब क्या है कि जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उसके पास नहीं जा सकता था, कोई उसका कुछ सुनवाई ही नहीं होगा। ये कानून जब से पारित हुआ, ठीक है, तो ये कानून पारित हुआ तो इसमें एक घटना हो गया, बहुत बड़ा घटना हो गया। वो घटना क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था। हत्याकांड क्यों था समझिए दोस्तों, क्योंकि वो जानबूझ के मार दिया गया था, वहाँ पे बहुत लोग को मार दिया गया था, ठीक है? देखिए दोस्तों क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये जैसे बैसाखी का दिन था, पंजाबी का त्यौहार होता है, बैसाखी का दिन था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि बैसाखी का जो त्यौहार मनाया जा रहा था, तो कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि यहाँ पे षडयंत्र रचा जा रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। तो भाई अंग्रेज का जो जनरल डायर था, जो सेनापति था जनरल डायर, उन्होंने एक ही तरफ जाने का रास्ता था और आने का रास्ता था। क्या था? जाने का रास्ता और आने का रास्ता एक ही तरफ था। तो उस साइड को क्या कर दिया, पुलिस से बंदूक से तनवा दिया, ठीक है? और एक बीच में कुआं था। क्या था? कुआं था, जैसे पार्क था जलियांवाला बाग था, उसमें कुआं था एक बीच में। उन्होंने क्या किया, डायर ने क्या किया, बहुत बेकार आदमी था, उसने क्या किया कि गोली चलावा दिया इधर से। अब बताइए दोस्तों, अगर इधर से एक ही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ता है आने का,
कैसे आदमी भगेगा। तो क्या किए लोग, कुआं में कूदने लगे। अभी कुआं में कितने आदमी कूदेंगे, एक आदमी कूदा, फिर दो आदमी कूदा, 100 आदमी कुआं में कूद गए, उसमें भी कोई बचा नहीं सर, ठीक है, बहुत लोग मारे गए। क्लियर हुआ क्या, इधर से गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, उधर से एक ही रास्ता था आने का, पूरा बाउंड्री था, उधर से एक ही रास्ता था आने का, सब लोग मारे गए। ठीक है दोस्तों, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बहुत 1000 के लोग बताया जाता है कांग्रेस के अनुसार, लेकिन हमको लगता है बहुत ज़्यादा मारे गए। ठीक है, वो क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड था। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। बहुत काला दिन था ये दोस्तों, बहुत काला दिन था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये रोलेक टेक था, इसी की वजह से हुआ था। इसमें ऐसा कानून बना दिया गया था कि लोग खड़ा होकर, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन, डायर बहुत बेकार आदमी था। ठीक है, इसको बाद में उधम सिंह ने जाके मारा, अलग बात है, लेकिन इसके लिए एक कमेटी बैठा, क्या बैठा, कमेटी बैठा। ठीक है, उसका नाम रखा गया हंटर कमेटी। देखिए फालतू कमेटी था, एकदम बेकार कमेटी था। उसका मतलब यही था कि जनरल डायर को निर्दोष साबित करके इंडिया से इंग्लैंड भेज दिया जाए, चूंकि इसको मारा ना जा सके। दोस्तों देखिए, उस समय क्या था कि आज़ाद कराने के लिए एकदम खून में जुनून था, एकदम आज़ाद करा देना है देश को। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या कि जो थे उधम सिंह थे, जाके उसको कहाँ पे, वहाँ पे इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को क्या किया, मार दिया उन्होंने। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में फांसी उसी उनको मिला। अब क्या किया जाए दोस्तों, इतना लोग को मारा, मारे बहुत उनके, बहुत सही किए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ, रोलेक एक्ट हो गया। ठीक, इसके वजह से कौन सा कांड हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, हत्याकांड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका जो हंटर कमेटी आयोग था, गठित हुआ था, उसमें टोटल अंग्रेजी अंग्रेजी थे, दो चार गो थे, तो वह सला दलाले थे सब। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं था, तो हंटर कमेटी ने उसे कह दिया, निर्दोष साबित कर दिया, वो चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में क्या आ गया, चंपारण सत्याग्रह समझ में आ गया, गांधी जी के बारे में बता दिया आपको। ठीक, और 1915 में आते हैं, फिर चंपारण सत्याग्रह करते हैं, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक एक्ट आपको समझा दिए। अब आता है असहयोग आंदोलन। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया कि चलिए अब एक आंदोलन करते हैं, भारत को आज़ाद कराते हैं। क्या करते हैं, भारत को आज़ाद कराते हैं। उन्होंने स्टार्ट क्या किया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। वो असहयोग आंदोलन 1920 में उन्होंने स्टार्ट किया। कब किया, 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया। उनका कहना था ये कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हिंसात्मक नहीं, शांतिपूर्वक चलिए, आंदोलन करिए, कोई किसी को विरोध न करे, किसी को कोई टच नहीं करेगा, आराम से आप विरोध करते रहिए शांतिपूर्वक। ठीक है, उसी को कहा असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, 1920 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलता रहा, कुछ पता नहीं चला, ऐसे ही चलता रहा, सिस्टम से चलता रहा, लेकिन एक इसमें हो गया, मतलब कि हत्या ही कह सकते हैं, गलती हो गया था। ठीक है, हुआ क्या कि एक थाना था, उसमें 21 सिपाही एक दरोगा थे। ठीक है, तो जो असहयोग आंदोलन में पब्लिक था, तो पब्लिक जा रही थी, तो क्या हुआ कि हिंसात्मक बढ़ गया, तो उसमें क्या किया, पब्लिक ने वो 21 सिपाही और एक दरोगा को जला दिया। उसका क्या नाम दिया गया, चौरी चौरा कांड। क्या, चौरी चौरा, ध्यान से देखिएगा, चौरी चौरा कांड। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन कब होता है, 1920 में स्टार्ट होता है, लेकिन ये किसमें कांड हो जाता है, कौन सा कांड हो जाता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। कौन सा कांड, चौरी चौरा, यही गोरखपुर के बगल में है चौरी चौरा, ये कांड हो जाता है 1922 में। ठीक है दोस्तों, ये जो फरवरी में होता है 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 21 जो सिपाही थे उसको बंद करके और एक दरोगा को जला दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी सुनते हैं कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। उन्होंने क्या किया, उसी समय एक दो दिन बाद क्या किए कि वो त्याग दिए, क्या, असहयोग आंदोलन, कि ये गलत हो गया। फिर बाद में उनको जेल ले गया गया, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो क्या किए उस समय, पूछता है दोस्तों क्या कि चौरी चौरा मतलब असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ, जब चौरी चौरा कांड हो गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन त्याग दिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ। ठीक, गांधी जी क्या किए, किसी थे मतलब कि अपना स्टार्ट वर्ट किए, फिर 1924 में जेल से छूटे, तो 1924 में उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किए, वो किया मतलब कि अध्यक्षता की बेलगांव में, कहाँ पे, बेलगांव में।
ठीक है। उसके पहले दोस्तों समझिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। कौन किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। तो उसका अधिवेशन होता था, हर साल अधिवेशन होता था, उसी में जिसको बनाना होता था अध्यक्ष बनाते थे लोग, ठीक है। तो गांधी जी का भी नंबर आया होगा, देखें कि भाई गांधी जी बहुत ब्रांडेड आदमी है, थोड़ा चमक रहे हैं, तो उनको क्या किया गया कि भाई बेलगांव का एक अधिवेशन है, आप क्या करिए वहाँ पे आके अध्यक्षता कर दीजिए। 1924 में तो अध्यक्षता किए उन्होंने, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या हुआ कि अब गांधी जी क्या किए कि कहे कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। उसके पहले क्या हुआ दोस्तों, देखिए दाढ़ी मार्च, क्या दाढ़ी मार्च, जो कि क्या 12 मार्च, कब 12 मार्च 1930 को उन्होंने पैदल देखा कि नमक पे कर लग रहा है, किस पे, नमक पे, तो उन्होंने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसको दाढ़ी मार्च बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि मैं पैदल चल के समुद्र के किनारे जाके क्या करूँगा, नमक बना के नमक का कानून को तोड़ूंगा। तो उन्होंने वहाँ तोड़ा भी, 12 मार्च को स्टार्ट किया, 6 अप्रैल को जाके नमक बनाया, ठीक है। उन्होंने नमक बना के कानून को तोड़ा, उसके बाद वहाँ का नमक कानून खत्म हो गया, ठीक है। नमक जो कर था, टैक्स था, वहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने देखा कि हर जगह पे, हर जगह समुद्र के किनारे जो है नमक बनता है, मुझे बम्बई में हो गया, गुजरात में हो गया, कलकत्ता, ये सब जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ वहाँ बन रहा है, लेकिन सब जगह टैक्स लग रहा है। तो उन्होंने स्टार्ट किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। उनका कहने का मतलब है कि ये आंदोलन स्टार्ट करिए, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे मैंने सिस्टम से आज़ाद कराया जाएगा देश को। तो देखा जो इरविन था, देखिए गांधी इरविन समझौता, उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। तो इरविन ने देखा वो तो देखिए फिर कर दिया, स्टार्ट कर दिया, गांधी जी भाई महान आदमी थे, ठीक, तो उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। तो फिर जब देखा इरविन ने तो कहा कि रुको, उनसे जो समझौता किया जाए। समझौता क्या होता है दोस्तों, जब झगड़ा हो जाता है तो समझौता किया जाता है कि हमारे आप पे झगड़ा हुआ है, समझौता कर दिया जाए, उसके बाद से झगड़ा नहीं होगा। तो वही समझौता किया गया 1931 में, कब दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस बैठक में क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं, देखिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन त्याग कर देंगे, हटा देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है दोस्तों, पहला कंडीशन ये है कि देखिए मुकदमा जितने लोग हैं शरीफ हैं, जो बिना मतलब का मुकदमा चल रहा है, उसको हटा दीजिए, ठीक है, हटा दिए, ठीक है। उसके बाद कहा हिंसात्मक छोड़ के, जैसे कि जो मतलब कि बहुत बिगड़े हुए हैं उनको छोड़ के, जो शरीफ हैं, जो सीधे साधे हैं, उनको क्या करिए आप, मुकदमा हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, जेल से निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद शराब, इसका मतलब है कि शराब पर, शराब जैसे कि कहीं भी नहीं पिएगा, शराब पे हम धरना देंगे, शराब पे हम आंदोलन करेंगे, शराब पे हम सत्याग्रह करेंगे, इस पर आप हमको कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मान गए। उसके बाद कहा नमक हर जगह बनाना, जैसे हर जगह नमक बनाते हैं, जहाँ भी हो वहाँ पे नमक बना रहे हैं, तो नमक बना रहे हैं तो नमक हर जगह बनाएंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कहा ठीक है भाई, ये भी मान लेते हैं। अब जितने सरकारी नौकरी वाले हैं उनको सरकारी नौकरी से हटाए थे, उनको दीजिए, ऐसे बहुत सारे थे, उन्होंने गांधी इरविन समझौता में मना लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको आप क्या किए, 2-3 बार देखिए और समझिए, और क्लास 10 में जो है उसको जरूर देखिए, और बोर्ड के एग्जाम में 100% करके आइए, ठीक है, और समझिए दोस्तों। सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य और आग्रह, सत्य और आग्रह से लड़ा गया लड़ाई को सत्याग्रह कहते हैं। मतलब कि सत्य और आग्रह, समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि हम आपसे आग्रह करेंगे कि सर देखिए ऐसी बात है, सत्य पर रहेंगे तो उसको सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। जैसे कि गांधी जी ने क्या कहा था, अहिंसा, अहिंसा उनके नहीं था, अहिंसा नहीं करना था, आराम से शांति से विरोध करिए, ठीक है, विरोध करते रहिए, आपकी सफलता जरूर मिलेगी, सत्य के साथ रहिए, ठीक है, उसे सत्याग्रह हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आराम से समझिए, कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करना नहीं भूलिए, थैंक यू।